नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक और नया वीडियो पे। और आप देख रहे हैं द डीबी डायरीज जैसा फिल्म। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये एलॉय व्हील्स के ऊपर है। एलॉय व्हील्स की जो 7 से 8 पॉइंट होते हैं, 9 पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 9 चीज़ें होते हैं एलॉय व्हील्स के बारे जो जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, ये देखना बहुत ही मैंडेटरी होता है। और ये मैं जानकारी देने वाला हूँ कि आफ्टर मार्केट से एलॉय व्हील खरीदते हैं तो दोस्तों कौन सा एलॉय व्हील लेना सबसे बेस्ट होता है। ये दो तरह का हमारा जो है एलॉय व्हील्स मिलते हैं हमारे पास। एक जो है फोर्ज एलॉय मिलते हैं और एक कास्ट एलॉय मिलते हैं। फोर्ज एलॉय जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, और जो कि BMW हो गए, ऑडी हो गए, मर्सिडीज हो गए, इन जैसे कंपनी जो है ये फोर्ज एलॉय देते हैं जो कि काफ़ी महंगा होता है। और जो हम लोग आफ्टर मार्केट से एलॉय खरीदते हैं ये एल्युमिनियम का एलॉय रहता है। कास्टिंग एलॉय जो होते हैं ये 30-40% जो है हल्के होते हैं एज पर कंपेयर टू आपके जो है फोर्ज एलॉय से। बहुत सारे दोस्तों को ये भी पता होना चाहिए कि जो हम जो एल्युमिनियम एलॉय यूज़ करते हैं जिसमें हम लो प्रोफाइल का टायर डालते हैं, लो प्रोफाइल का टायर डालने का मतलब है अगर आप लो प्रोफाइल टायर आफ्टर मार्केट से अगर आप एलॉय लिए हैं जो भी एल्युमिनियम कास्ट का होता है वो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप जो भी लोकल मार्केट से लेते हैं, जो आफ्टर मार्केट से हम लोग परचेज करते हैं। और जो प्रीमियम ब्रांड का जो एलॉयज होते हैं जो कि आपके फोर्ज एलॉय होते हैं ये देते हैं कंपनीज, जो OEM से जो है कंपनी है ये सारे देते हैं, जैसे कि BMW हो गए, मर्सिडीज़ हो गए, ऑडी हो गए। इसमें आप टायर देखते होंगे कि लो प्रोफाइल टायर रहता है मगर उनका कास्टिंग का रहता है जो कि जल्दी वो टूटता नहीं है। बट आफ्टर मार्केट से जो हम लोग परचेज करते हैं उस पर अगर आप देखा जाए तो आफ्टर मार्केट वाले में जो है अगर आप लो प्रोफाइल टायर लगाते हैं तो उस पर टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आफ्टर मार्केट से अगर आप एलॉय परचेज करते हैं तो लो प्रोफाइल टायर ना डालें। दोस्तों ये वीट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टायर लेते हैं जो OEMs के होते हैं वो 5 इंची 6 इंची ऐसा साइज के जो रहते हैं वो वीट होते हैं, और अगर आप आफ्टर मार्केट से लेते हैं तो वो वीट काफ़ी चौड़ा होता है। तो वो आपको गाड़ी में देखना भी ज़रूरी होता है कि वो आपकी गाड़ी में वो फिट होने वाला है कि नहीं, उसके साइज़ के हिसाब से आपका कितना है। उसके लिए जो है स्टैंडर्ड में जो आता है 5J 7J 6J वैसे आपका आता है, तो आपको वो देखना ज़रूरी है कि आपका जो है किस कौन सा लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करके जो है आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये राइट PCD होना बहुत ज़रूरी होता है। ये PCDs जो होते हैं जो कार पे होते हैं और ये OEM के हिसाब से जो है वो डिफरेंस होते हैं, पिच सर्कल डायमीटर भी कहते हैं। और ये जो है जो होता है PCD का मतलब होता है दोस्तों कि जो होल पे जो आपका स्टड लगते हैं, स्टड से जो दूसरे स्टड का जो गैपिंग होता है वो कितना रहता है। तो हुंडई का जो PCD होता है, हुंडई में जैसे जस्ट एग्जांपल हुंडई के कार जो है, हुंडई के कार पे 100 PCD होते हैं, मारुति के जो कार आते हैं वो 100 PCD के आते हैं, वॉल्सवैगन के जो कार आते हैं जिसमें 112 PCD के होते हैं, फोर्ड का जो आता है हमारा जो फोर्ड आइकॉन पहले जो आता था जिसमें 108 PCD का लगता है। तो ये PCD वाइज जो है, ये प्रीमियम वाइज जो भी गाड़ी वो होते हैं उसके हिसाब से सारे का अलग PCD होते हैं। तो अगर आप अपने कार के लिए एलॉय परचेस करना चाह रहे हैं तो ये PCD ज़रूर देख के उस हिसाब से आप परचेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है PCD के लिए। दोस्तों ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होल्स है आपके एलॉय व्हील्स में, कितने होल्स है। होल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितने होल्स के आपके एलॉय व्हील होते हैं, किसी में 4 होल्स के होते हैं, किसी में 8 के होते हैं। जैसे कि सपोज़ कि अगर आपने एलॉय व्हील ले रहे हैं, अगर आपके पास में 4 होल्स वाला है तो वो 5 होल्स वाला जो है वो फिट नहीं होगा। अगर आपके पास में 5 होल वाला है तो वो 6 वाला फिट नहीं होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये 4 होल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कि कितने होल्स के अगर आप लेते हैं। तो दोस्तों बेस्ट होगा कि अगर आप 8 होल्स के जो एलॉय आते हैं वो आप लेते हैं तो वो फिट हो जाते हैं, मैक्सिमम सारे गाड़ी में वो फिट हो जाते हैं। बस वो जो है PCD के हिसाब से जो है होल्स जो है 8 होल्स वाला अगर आप लेते हैं तो वो फिट हो जाएगा, बट वो जो है आप PCD ज़रूर देखना तब जाके वो आपका फिट हो पाएगा। दोस्तों ये हब बोर का भी एक रोल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग वाइज हब बोर जो है ये भी काफ़ी गाड़ी में जो है मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हब बोर अलग होते हैं, सारे गाड़ी में फिट हो जाए इसी के लिए वो हब बोर को जो है बड़ा रखते हैं साइज़ में।
तो दोस्तों सारे कार जो होते हैं, सारे जो कार होते हैं उसमें हब बोर का साइज एक स्टैंडर्ड का बना हुआ रहता है, सारे का अलग अलग होता है। और आफ्टर मार्केट से परचेज करने के बाद जब हम वो एलॉय व्हील को लगाते हैं, मान लीजिए अगर आपका हब बोर का साइज जो है ज्यादा, एलॉय व्हील के हिसाब से अगर हब बोर का साइज ज्यादा बड़ा हो गया, तो उस केस पे आपको क्या होगा कि कहीं अगर आपका कार चल रहा है तो कहीं ना कहीं कार आपका बबलिंग करेगा। तो दोस्तों उस केस पे आप जो है हब रिंग लगा सकते हैं, हब एक आता है हब रिंग, वो लगवाने के बाद जो है आप यूज कर सकते हैं उसी एलॉय व्हील का जो आप एलॉय व्हील आफ्टर मार्केट से परचेज कर। तो दोस्तों एक और चीज है जो कि इम्पॉर्टेंट ये भी है, स्पेसर। स्पेसर अगर आपकी कार पे ड्रम ब्रेक है, अगर आपकी कार पे ड्रम ब्रेक है तो उस केस पे आपको स्पेसर लेने की जरूरत नहीं है। एक और चीज में भी स्पेसर यूज कर सकते हैं। बहुत दोस्तों को ये कहना होता कि चक्के को थोड़ा बाहर निकाल के रखना है जो कि ट्रेन चल रहा है, तो चक्के को बाहर निकालने के लिए भी ड्रम पे वो स्पेसर लगा के यूज कर सकते हैं। बट स्पेसर का जो असली यूज होता है वो कैलिपर पे, ताकि ना लगे, जिसकी वजह से जो है आपका नुकसान हो सकता है एलॉय व्हील पे। तो वो आपका जो कैलिपर है वो आपका एलॉय व्हील में आफ्टर मार्केट से जो परचेस करते हैं उस पर लग सकता है, जिसकी वजह से आप स्पेसर लगाते हैं। तो स्पेसर आप लगा सकते हैं अगर आपको एलॉय व्हील बाहर निकालना होता है तब, या फिर जो है आपका पास अगर ड्रम ब्रेक है तो आप उसमें जो है स्पेसर लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक और चीज भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि ये हम जैसे कि ऑफसेट पे जाते हैं कार पे, बहुत दोस्तों को ये भी होता है कि व्हील्स जो लगाएंगे अलॉय व्हील्स वो ऑफसेट होगा। ऑफसेट जैसे कि ये भी बहुत तरह का, तीन तरह का होता है, एक पॉजिटिव ऑफसेट होता है, एक आपका जो जीरो ऑफसेट होता है, और एक जो है नेगेटिव ऑफसेट होता है। नेगेटिव ऑफसेट जो होते हैं दोस्तों वो कार के अलॉय से वो बाहर निकले रहते हैं, और जीरो ऑफसेट जो होता है वो स्ट्रेट जो आपका कार का ओएम के हिसाब से जो कार रहता है उसके हिसाब से जीरो ऑफसेट होता है, और जो है पॉजिटिव ऑफसेट जो होता है वो अंदर की तरफ जो है वो रहते हैं जो कि आप लेते हैं। तो ये ऑफसेट जो है एलॉय व्हील परचेस करने के टाइम में भी आप देख के आप परचेस कर सकते हैं आपको किस तरह का चाहिए, आपको जीरो ऑफसेट चाहिए या फिर आपको नेगेटिव ऑफसेट चाहिए या फिर जो है पॉजिटिव ऑफसेट चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं।